नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मान। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता को मुंह लेने का एक और प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर फिर से कांग्रेस सरकार आई तो यहां की जनता को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। उन्होंने किसान, छात्र, युवा, कर्मचारियों सभी को केंद्रित किया। अब आपको बता दें, वो 5 नई गारंटी जिसका वादा सीएम गहलोत ने किया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं किसान। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन गारंटी लागू करेंगे। गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। इसके बाद आता है छात्रों के लिए, जहां पे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की जरूरत नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी शुरू करेंगे। तीसरा वादा आता है युवाओं के लिए, हर कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। चौथा वादा आता है आपदा पीड़ितों के 4JDL के लिए, प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाने की गारंटी का वादा भी किया गया है। और पांचवा और आखिरी वादा आता है कर्मचारियों के लिए, जिसमें राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की शुरुआत इसी बजट से कर दी जाएगी। अब OPS गारंटी कानून लाने का वादा किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस चुनावों के लिए अब तक 7 गारंटी की घोषणा कर चुकी है। 2 गारंटी की घोषणा 2 दिन पहले प्रियंका गांधी की सभा में की गई थी। इसमें गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए और सभी को 500 रुपए में सिलेंडर शामिल है। गहलोत ने कहा है कि इन गारंटियों के अलावा कांग्रेस घोषणा पत्र भी जल्दी जारी किया जाएगा। इस चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग चरणों में गारंटी देने का दावा खेला है। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें द नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।